खोल, नहीं तो तेंदुआ काट के खुद कैद बना दूंगी। ए बदिराज दरवाजा खोलो, तुम बाहर ही रहना मालिक, हम अंदर मौत से लड़ रहे हैं। अरे मौत नहीं, वो मेरे साथ आई है। मौत आपके साथ? दरवाजा खोलो। ये क्या? डरो नहीं सन्नो, अपना आदमी है इमरती लाल। इमरती लाल हो या जिलेबी लाल, जय सन्नो को भीतर क्यों बंद करे था साला? गाड़ी नहीं निकाल, ये बेचारा नींद में था, इसे क्या मालूम तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। चलो सन्नो, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, दरअसल इमरती लाल मेरा बैरा भी है, बाबच्ची भी है, नौकर भी है, मालिक भी है। पूरे 9 साल तक नौटंकी में लैला का पार्ट करता रहा। आजकल मियां मजनू बने हुए हैं, अब मैं इनकी लैला हूँ। पर ये लपू झन्ना कौन है, हमको समझ नहीं पड़ती है। ए इमरती लाल, लपू झन्ना नहीं, इसका नाम सन्नो है। और आपके समझने की बात सिर्फ इतनी है कि जल्दी से खाना लगा दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। और सन्नो तुम खाना खा के जल्दी सो जाओ। अरे तो ये मेहमान यहाँ सोएंगे भी? आपको कोई एतराज है? जब मेहमान को एतराज नहीं तो हमको काहे का एतराज, हम तो इंतजाम के लिए पूछ रहे थे, दरवाजे के बाहर खटिया उतिया लगाना पड़ेगी ना। इमरती लाल तुम अच्छी तरह जानते हो मेहमान की हैसियत हमारे घर में भगवान के बराबर होती है। ये बाहर नहीं, मेहमानों के बेडरूम में सोएंगे। बेडरूम? बेडरूम नहीं, बेडरूम, मेहमानों के सोने का कमरा। आओ दिखाता हूं। मेहमानों के सोने के लिए खास कमरा है, तुम यहाँ आराम से सो जाना। अकेले? तुम मनमानसा का औरतन किधर घूमे? इस घर में मानसा ही मानसा है, औरतें औरतें नहीं है। डर लगता है तो दरवाजा अंदर से बंद करके सो जाना। चलो खाना खा लो। अरे आओ ना, खाना खा लो। चलो दरवाजा खोलो, खाना खाओगे। तुम मतलब खा लो, सन्नो को भूख नहीं है। ए, मतलब क्या भरोसा, सुबह तक सारा सामान लेके लपू झलना हो जाए तो? ठीक है तुम खाना खा लो। होकर बेटी की आबरू का खबर तो 300 रुपये की खातिर तेरी ममता का दूध पानी हो गया। देखो दिल्ली की पंचायत मत कर, चल कमरे में और तावेदारी कर के की रात भर तेरे पाप चलने से कोई देर में नहीं होगा। जाओ दिल्ली। अभी तक सोई नहीं? सोगी भी कैसे, सब दरवाजे तो खुले रख छोड़े। सारी रात ये खटखट चलती रही ना तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम डर क्यों रही हो? इस घर में तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये दरवाजा अंदर से बंद कर लो और आराम से सो जाओ।
ससुराल का माल समझ के दबा जाओ दबा दब, पर मालिक के उठने से पहले फूट जाओ यहाँ से, रास्ता पकड़ो अपने बकतूत। क्या तेरा माल खा रहे चलो, तू नौकर मांगे फटफट मत कर, जो मालक का नमक खाया उसी मालक का हुक्म चलेगा चंगत पर। एक चाय दे सिंगल कड़क। अरे ये क्या बेचारी को जमीन पर बिठा के क्यों खिला रही हो? इतना सब कुछ लगाने के लिए टेबल छोटी पड़ रही थी, एक ट्रे का तो पहले लपू धंधा कर चुकी है। देख मतीलाल, किसी को खाते वक्त टोकना नहीं चाहिए। एक तो बेचारी ने रात को डर के मारे कुछ नहीं खा, अब तुम भी कुछ नहीं खिला रहे। और कुछ चाहिए शनो? ना, खूब मस्त भोजन किया है शनो ने। ठीक है फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अरे कहाँ रहते तुम्हारे नाते रहते? सच्ची मुच्ची बोल दे शनो। तो रात क्या तुमने झूठ बोला था? एकदम बेफिजूल झूठ। इस दुनिया में शनो का कोई नातेदार नहीं। कोई तो होगा शनो, कहीं से तो आई हो, कहीं तो जाओगी। डरो नहीं, साफ साफ बता दो ना। पहले इस खुदके को खिसका दो। अरे इससे क्या पर्दा, ये तो अपने घर का आदमी है इमरतीलाल। बाकी बड़े दुख की बात है, बेचारी शन्नो का इस दुनिया में कोई नहीं। इस बिचारी का तो ऊपर वाली दुनिया में भी कोई नहीं है। तू जा कैमरा मेरे को। हाँ तो शन्नो कहो क्या कह रही थी? साहब ये शन्नो बड़े सिर्फ घर की है। हाँ वो तो जाहिर ही है। ऊपर से मुसीबत ये कि शन्नो बड़ी खूबसूरत है। अच्छा दिखता नहीं तुमको क्या? रात को अंधेरा था ना, अच्छी तरह नजर नहीं है। तो फिर क्या हुआ? अच्छा एक साला बुड्ढा खुसके शन्नो पर आशिक हो गया एकदम जोर से। अच्छा एकदम जोर से? हाँ, हरामी के सर पे बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। और शन्नो की उम्र तो तुमको मालूम है सर, इतनी सी। साला पक्का 10 नंबरी बुड्ढा था। शन्नो की मौसी को 5-5 दो बार 1000 रोकड़ा देके शन्नो से जबरदस्ती ब्याह पक्का कर लिया। ये तो बहुत बुरा किया। अब सर शन्नो फंस गए, शन्नो करे तो क्या करे, बस शन्नो घर से रुपराई हो गए। पर शन्नो का नसीब खरी चांदी का निकला साहब, जब तुम मिल गए। एक तुम ही बता शन्नो कहाँ जाए? सीधी पुलिस चौकी, बुढ़े का मौसी का तुम्हारा सबका हुआ अल्लाह झन्ना हो जाएगा। तू दो शरीफों के बीच में क्यों घूम रहा साला खुद के? अरे तू चुप रहना यार, शन्नो तुम्हारी कहानी वाकई बहुत दुख भरी है, मगर अफसोस मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकूंगा, तुम्हें कहीं तो जाना ही पड़ेगा। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए पनाह दी थी। दो रात की पनाह देने से पाप लग जाएगा क्या? लग भी सकता है। अच्छा पनाह मत दो, बेचारी शनु को 2-4 दिन सोच विचार करते हैं तो दो। ठीक है तुम 2-4 दिन सोच लो, लेकिन इससे पहले आप भी सोच लो मालिक। मैंने सोच लिया इमरतीलाल, शनु 2-4 दिन और यहाँ रहेगी। और सुनो मैं किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम जरा इसे अच्छी तरह नहलवा देना, जरा प्लेट व्लेट डाल के। अब बिल्कुल साबुन तो यहाँ फेल हो ही जाएगा। अब मगर सुनो तो सही, अगर आप जा रहे हो तो हमको भी साथ लेते चलो, या फिर इसके बाद जो रामपुरी लपू झन्ना है ना उसको ले जाओ। इमरतीलाल जी सिगरेट जरा बुझा देना। सिगरेट तो वो सिगरेट बुझा देते हैं। गजब का शरीफ मरदा मालक, अरे कौन है तू? जनाना का मर्दाना? दिन को दिखता नहीं क्या उल्लू का खानदानी? शन्नो है जो शन्नो। अरे मालिक के कपड़ों को हाथ क्यों लगाया? उतारो उतारो, नहीं तो मैं खोल। अरे खुद के कपड़े उतारेगा छोड़ के? अरे मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो मेरी नानी। पहले ये खटकेदार रामपुरिया तो बंद कराओ, इससे हमारे रामपुर में भी खटका लगा रहता है। पहले तो बोल। अब क्या बोले, मालिक का धंधा है हमारे ऊपर हुकुम चलाना, और मालिक के बाप हमारे बाप के ऊपर हुकुम चलाते थे, और मालिक के बाप के बाप हमारे बाप के बाप के ऊपर हुकुम चलाते थे, अब मालिक के बेटे हमारे बेटे पर हुकुम चलाएंगे। अबे खुसके बेटा के छप्पर से गिरेगा, मालिक जोर किधर है? अरे तुम क्या मर्दुम, तुम्हारी की खुफिया पुलिस हो, सब बातों का हमारी जवाब देते जाए। एक बात तुम भी तो बोलो, ये मालिक का तुम्हारा आपस में लपू झन्ना क्या है? नमस्ते। मर गए। क्या हो रहा है जी? बाबा
ये था कि वो कुछ भी वो ये पूछे था मालिक का तेरा आपस में क्या लपुझना है। डर के भाग गया साला खुसका। देखो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया था। मेरे लिए? हाँ ये बदल कर इनमें से जो ठीक लगे पहन लो जाओ। और सुनो इस घर में गाली वाली मत बका करो। कौन साला गाली देता है? लो खुसकेट मर्दों का कपड़ा उठा लाए। अपने वास्ते लाया होगा साला। शन्नू गाली नहीं बकने का, साला गाली होता है। संकट से हनुमान छुड़ावे, दो दिन तुमसे और बचावे। सिमरती भैया जरा बात तो सुन। अरे भैया को तेरे ले गई भगवती मैया, हम अपने माँ बाप के इकलौते हैं। यार कैसा मर्द है तू, छोकरी की बात तो बुरा मान गया। इत तेरे पे प्यार आ गया तो शन्नू तेरे को क्या बोले चाचा? अरे बोलने की तकलीफ क्यों करती हो, दो दिन और मालिक का माल लपू झन्ना कर लो, उसके बाद खस कौन आते। हटो आलू काटा है खाए। यार कमाल गजब की बात तो सर, तू भी हनुमान का भगत और मैं भी, खूब मत पटेगी अपनी तेरी, ला मार हाथ पर हाथ। चल इसी बात पर मैं तेरे आलू काट दे। अगर तू आलू काटेगी या मेरा पत्ता काटेगी मैं तेरा चक्कर समझता हूँ। चल निकल यहाँ से, चल और क्या भी रहो घर में बामा रखना। जा जा शन्नू के ठेंगे को भी गरज नहीं तेरी सड़ेली रसोई में आने की। शन्नू को तो मेरे हवेली मिली है रहने को। हुक्म करवाओ मालिक, जिसने हाजिर रखे हमने। हिम्मती कहाँ है? मरने का साले खुसकेट को एकदम हराम खोर है, सवेरे से चार आलू काटे हैं और जे टाइम हो गया। अच्छा? हाँ। तुमको मालूम नहीं है सर, खाना बनाते बनाते चुरा के खा भी जा रहे हैं और तुमको अपना झूठा खिला रहे हैं पाजी। अच्छा तुम हुक्म फरमा दो जैसे मैं एकदम मस्त भोजन बना के खिला देगी तुमको रोज। आप जरा उधर तशरीफ रखें। अभी रखती हूँ, किधर है तफरी? तफरी इधर है तफरी, आगे बंद करो। लेकिन देखो शन्नू के साथ कोई खुशकेटी मत करना। आंखें बंद करो और सोचो दो दिन के बाद आपकी तफरीश का टोकरा कहाँ जाएगा। खाली दो कौड़ी की कदम है घर में शन्नू की तो भी शन्नू किधर भी नहीं जाएगी, यही रखेगी तफरीश। इमरती सेठ बजरंग बली इमरती को सेठ बोल रही है, रक्षा करना। बोला राज रानी, आज के बोल में बड़ी मिठास है, क्या बात है? गजब जुर्म है यार सेठ, जो कोई बात है घर में औरत दौड़ती फिरे और मर्द मानस रसोई चूल्हा करे, सिर्फ तो मर जाने की बात है शन्नू के वास्ते। हटो मैं। ये क्या गजब करती हो, अरे रात भर की तो मेहमान हो, हमको जी भर के सेवा कर लेने दो, कल सवेरे तो चली ही जाओगी, फिर तुम कहाँ और हम कहाँ। ये बात है यार, तो फिर नहीं जाएगी शन्नू, आज से इस रसोई में रोज दाल बाटी चूरमा बनाएगी शन्नू, दोनों मतलब मस्त होके भोजन करो। ये तो सब ठीक है भवानी माई, लेकिन मालिक तो तुम्हें सुबह सवेरे ही तेरा को राइट कर देंगे। अरे यही तो साली मुसीबत है शन्नू की। तुम कोई चक्कर जमाओ यार। अरे चक्कर जमाने में तो हम बहुत तेज हैं, मगर तुम जैसी लपू झन्ना को क्या बताओ। अरे कोई जोरदार फैशन ठप्पे वाली चमक छल्लो होती ना। साले नौटंकी छाप, तुझको मालूम नहीं पूना शहर में सारे पब्लिक छप्पन चोरी पुकारे थे शन्नू को। सात बार तो सबको चल चुके हैं शन्नू की खातिर। यही तो गड़बड़ है, तुम हर चक्कर में चक्कू ले आते।